हेलो बच्चों, आज हमारा सेकंड पार्ट है हमारे टॉपिक का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। पहले पार्ट में हमने पढ़े थे इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने कई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखी। अब उसी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने देखे थे ऐसे सेल, जो सेल हमारे इम्यून सिस्टम को या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या फिर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए या इम्यून सिस्टम का फंक्शन करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ऐसे सेल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो द सेल्स विच वर्क एज इम्यून सिस्टम्स और हेल्प फॉर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस और मटेरियल। तो ऐसे हमारे पास टू सेल्स है, वन लिम्फोसाइट्स और सेकंड है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऐसे सेल जो इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम में एज अ डिफेंस का काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल को, सब्सटेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये जो रोल प्ले करते हैं ऐसे सेल जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेशन करते हैं ऐसे सेल। तो दो सेल हो गए, लिम्फोसाइट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो चलो हम अपना पहले सेल के बारे में जानते हैं, वो है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इट इज अ व्हाइट ब्लड सेल, ऑल्सो इट इज अ ग्रैनुलेटेड सेल। ये लिम्फोसाइट जो होते हैं वो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होते, इसलिए इनको ग्रैनुलेटेड ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये WBC सेल है। लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स है जो डिफेंस सेल्स का काम करते हैं और हमारे बॉडी में आने वाले फॉरेन सेल्स को, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो वो हो गए लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट्स है, ये हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? रेड बोन मैरो में। बराबर है, ये हमारे बॉडी में रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद इनका एक्टिव कन्वर्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये रेड बोन मैरो में बनते हैं लिम्फोसाइट्स डज नॉट इन अ एक्टिव फॉर्म, सो दे वांट टू मैच्योर एंड एक्टिव, उनको किसी और जगह पे जाना होता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास और एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायमस ग्लैंड। ये थायमस ग्लैंड में ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे ये लिम्फोसाइट जाता है। थायमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट जाने के बाद वो एक्टिवेट होता है और उसका कन्वर्शन होता है टी लिम्फोसाइट में। किस में होता है? टी लिम्फोसाइट में। ये टी लिम्फोसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल है जो हमारे बॉडी में डिफेंस सेल का रोल प्ले करता है। अब ये किस तरह से डिफेंस सेल का रोल प्ले करता है? जब कोई ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स बॉडी में आते हैं तो उनको खाने का, किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम ये टी लिम्फोसाइट करता है। लेकिन ये अकेला नहीं करता, ये टी लिम्फोसाइट अकेला नहीं करता, इसके लिए अपनी टीम बनाता है। तो देखते हैं वो कौन सी टीम बनाता है। तो पहले हमने देखे लिम्फोसाइट कौन से? WBC सेल। कहाँ होते हैं? रेड बोन मैरो में होते हैं। ये ब्लड में आते हैं और ब्लड द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, तब जाके ये पहुँचते हैं थायमस ग्लैंड में, जहाँ पे उनका कन्वर्शन एक्टिव टी लिम्फोसाइट में होता है। और एक्टिव टी लिम्फोसाइट इज अ वर्क एज अ डिफेंस सेल्स इन अवर बॉडी। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब ये टी लिम्फोसाइट जब वर्क करता है तो अपनी टीम बनाता है। तो ये टीम बनाता है अपने, अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो उस अटैक को रोकते वक्त इसके स्टिमुलेट हो जाता है, और स्टिमुलेट होने के बाद ये अपने लिए एक टीम बनाता है, जिस टीम में चार टाइप के सेल होते हैं। नंबर वन पे हम देंगे
types of T lymphocytes. नंबर वन पे देंगे हेल्पर टी सेल, नंबर टू पे देंगे किलर टी सेल्स, नंबर तीन पे सप्रेसर टी सेल्स एंड नंबर चार पे देंगे मेमोरी टी सेल्स. ये हो गए हमारे लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के चार टाइप के सेल. जब कोई फॉरेन मटेरियल या सेल आता है उसके अटैक में टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होता है और अपने टीम प्रोड्यूस करता है. उस टीम में इस चार तरह के सेल होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स. जब ब्लड में ये एक्टिव टी लिम्फोसाइट मूव होते रहता है तब एक साइटोकाइनिन नाम का सिक्रेशन सिक्रेट करता है और साइटोकाइनिन नाम का सिक्रेशन क्या करता है, एक्टिवेशन करता है टी लिम्फोसाइट का और प्रोड्यूस करता है एक सब्सटेंस. जब वो एक्टिवेट करता है और प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस तब वो चार तरह के सेल बनाता है या कॉपी या क्लोन बनाता है चार सेल. तो पहला जो होता है हेल्पर टी सेल्स, इसका फंक्शन ये होता है कि जब कोई ऐसा स्टिमुलेशन हो जाए और एक्टिवेट हो जाए टी लिम्फोसाइट तो हेल्पर टी सेल फिर से एक्टिव हो जाता है, खुद को स्टिमुलेट करते करके और एक्टिव होने के बाद साइटोकाइनिन को स्टिमुलेट करता है. किसको करता है, साइटोकाइनिन को. मैंने पहले कहा था हमारे ब्लड में साइटोकाइन्स नाम का एक सब्सटेंस होता है. जैसे ही टी है हेल्पर टी सेल बन जाता है, ये हेल्पर टी सेल ब्लड के साइटोकाइनिन को स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से इंटरफेरन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. कौन सा, इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस सीक्रेट होता है. हेल्पर टी सेल ने क्या किया, जैसे हेल्पर टी सेल बना ये स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया और साइटोकाइन को स्टिमुलेट किया. साइटोकाइन को स्टिमुलेट करने के बाद साइटोकाइन ने क्या किया, इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस तैयार किया. अब ये हेल्पर टी सेल का काम एक ये हो गया, एक फंक्शन. दूसरा फंक्शन ये क्या करता है, अदर टी सेल को इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है, उनको बता देता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, आप तैयार हो जाइए. तीसरा ये क्या करता है, पेशरी जो किलर सेल्स होते हैं उनका सिक्रेशन उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है. अब ये प्रोडक्शन सिक्रेशन कैसे बढ़ेगा, तब ये क्या करता है, इंटरफेरन नाम का सब्सटेंस होता है ये उस अटैक करने वाले सेल के ऊपर जाके स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फॉरेन सेल है. दूसरा हेल्प किलर टी सेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या बाकी के इंटरफेरॉन ब्लड में मूव हो जाते हैं और अदर टी लिम्फोसाइट को बताते हैं कि अटैक हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ किलर टी सेल्स बढ़ जाता है. तो ये फंक्शन है किसका, हेल्पर टी सेल्स. तो हेल्पर टी सेल्स क्या हेल्प करता है, वो किसी को मारता नहीं, वो अटैक हुआ है ये बताता है बाकी सभी सेल्स को, टी लिम्फोसाइट को, साइटोकाइनिन को. साइटोकाइनिन क्या करता है, इंटरफेरॉन बताता है. इंटरफेरॉन क्या करता है, ऐसे सेल के ऊपर जाके स्टिक हो जाता है जिसे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किलर सेल है या फिर फॉरेन सेल है, और दूसरा हमारे अदर सेल को बचाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो इस फाइटिंग में मारे ना जाए और उनको अलग ले जाके बचाया जाता है. तो ये काम इंटरफेरॉन करता है और साथ में किलर टी सेल को स्टिमुलेट करता है और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है. दिस इज द फंक्शन और रोल ऑफ द हेल्पर टी सेल. ये कौन बनाता है हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट. इसका काम क्या होता है कि इधर अदर सेल को इंफॉर्मेशन देना और कोई फॉरेन अटैक हो तो उससे उनको बचाना, इसके लिए वो साइटोकाइन को स्टिमुलेट करके इंटरफेरन प्रोड्यूस करने के लिए कहता है. अब नेक्स्ट है हमारा किलर टी सेल. इसका काम ये किल करना, इसका काम है किल करना. अब ये किल कैसे करते हैं, तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से किल करते हैं. दूसरा मैक्रोफेजेस से किल करते हैं, इस तरह से ये किल करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं. या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं.
किलर सेल का काम होता है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस या सेल आया है उसके ऊपर अटैक करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको फैगोसाइटोसिस करना या फिर उसको मैक्रोफेजेस करना। फैगोसाइटोसिस मतलब उस सेल के ऊपर पूरी लेयर बना लेना, कवर कर लेना, उस सेल को अपने अंदर ले लेना और उसको वहाँ पे इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना, ये होता है फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस में क्या होता है कि जो सेल है अटैक किया हुआ उस सेल के हिसाब से अपने सेल को बड़ा करना, बढ़ाना और उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करके उसको किल करना या उसको अटैक करना, उसके मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना और उसका साइटोप्लाज्म अपने अंदर खींच लेना, ये हो गया मैक्रोफेजेस, मतलब साइज बड़ा करना, डिस्ट्रॉय उसको किल करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये काम होता है किलर टी सेल का। तो ये सेकंड टीम का मेंबर हो गया। तीसरा से मेंबर है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल का काम ये होता है कि इस जो अटैक में हमारे जो बॉडी सेल है वो सप्रेस ना हो, उनको प्रोटेक्ट करे इस अटैक से। इसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं उनको बता देता है कि ऑन बॉडी सेल कौन से है और बॉडी सेल कौन से नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करके बता देता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के सेल बॉडी सेल को कुछ ना करते हुए फॉरेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बॉडी सेल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो फाइट हो रही है उसमें अपने सेल सप्रेस ना हो, ये काम कर प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सप्रेसर टी सेल, सप्रेस अवर बॉडी सेल्स फॉर दिस टाइप ऑफ अटैक। तो ये हो गया सप्रेसर टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स में क्या होता है, मेमोरी टी सेल्स में जितने भी अटैक हुए हैं इसके पहले उसका एक रिकॉर्ड डेटा सी इम्यून सिस्टम के पास स्टोर रहता है। तो ये मेमोरी सेल का काम होता है कि अभी जो अटैक हो रहा है इसका रिकॉर्ड डेटा एंट्री करके रख ले और आइडेंटिफाई करे कि ये जो अटैक करने वाला फॉरेन सेल है कौन सा है, और नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा फॉरेन सेल फिर से अगर बॉडी में अटैक कर रहा है जिसकी वजह से हमें सप्रेस हो सकते हैं, तो ये पहले से उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा और सेकेंड टाइम अटैक होने वाले सेल को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वही है जिसने इस टाइम पे अटैक किया था, इस तरह का इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया था और उसी के अपोज की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, उसी के अपोज के सेल प्रोड्यूस करके उसको किल करने का काम करने के लिए, स्टिमुलेट करने का काम मेमोरी टी सेल करता है। अब शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हेल्पर टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को हेल्प करते हैं, किलर टी सेल्स हमारे फॉरेन सेल को किल करने का काम करते हैं, सप्रेसर टी सेल्स सप्रेस होने से बचाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को, और मेमोरी टी सेल्स मेमोरी रिकॉल करती है कि ये कौन सा सेल है, अपना खुद का या फॉरेन सेल है, इसमें आइडेंटिफाई करके उसको किल करने की मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये टी सेल्स काम करते हैं और हमारे बॉडी को किसी फॉरेन सेल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस से या हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से, पैथोजन से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। अब नेक्स्ट सेल हमने बोले थे, इसमें दो सेल बताए थे, तो सेकंड सेल हमारा यह है, इसमें अपन इसको ए सेल देंगे और इसको देंगे बी सेल। वो सेल है हमारा बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट जो सेल होता है हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कैनल में एक टिश्यू होते हैं लिम्फैटिक टिश्यू जिनका नाम है बोर्सल लिम्फैटिक टिश्यू। ये लिम्फैटिक टिश्यू क्या करते हैं, ये जो लिम्फोसाइट आता है सिंपल लिम्फोसाइट ये यहाँ पे चला जाता है। बोर्सल लिम्फोटिक टिश्यू में ये लिम्फोसाइट जाने के बाद उसका एक्टिवेशन होता है, मैच्योरेशन होता है और तैयार होता है बी लिम्फोसाइट। और क्या प्रोड्यूस होता है, बी लिम्फोसाइट। जब यहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है ये वापस कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है। जहाँ तक समझ में आ गया, टी लिम्फोसाइट कहाँ पे बन गया, थायमस ग्लैंड में। पहले था सिर्फ लिम्फोसाइट, अब उसके डिवाइडेशन हो गए, आधे इधर गए आधे इधर गए, आधे गए थायमस ग्लैंड में जिनका कन्वर्सन हुआ टी लिम्फोसाइट में, आधे गए बर्सल लिम्फैटिक टिश्यू में जो गट में होता है उसमें गए और उनका कन्वर्सन किस में हो गया, बी लिम्फोसाइट में। अब बी लिम्फोसाइट भी यही काम करता है डिफेंस सेल का और हमारे बॉडी को फॉरेन अटैक से या माइक्रो ऑर्गेनिक अटैक से बचाने की कोशिश करता है। अब बी लिम्फोसाइट का काम ये होता है कि जब इस तरह का अटैक हो जाए तो खुद एक्टिवेट होता है, साथ में टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है। जितनी क्वांटिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते जाएगा उतनी क्वांटिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते जाएंगे और इस तरह से दोनों मिलके उस
फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे और अपने बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से बचाएंगे। ये काम होता है बी लिम्फोसाइट का। इसके लिए लिम्फोसाइट एक प्रोटीनेस सब्सटेंस सीक्रेट करता है, बी लिम्फोसाइट सीक्रेट प्रोटीनियस सब्सटेंस नोन एज एंटीबॉडी, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट इस अटैक में अपने बॉडी को बचाने के लिए एक प्रोटीनियस सब्सटेंस को स्टिमुलेट करके सीक्रेट करता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में सीक्रेट होती है तो ये तीन तरह के फंक्शन प्रोड्यूस करती है, ये तीन तरह के फंक्शन प्रोड्यूस करती है। पहला फंक्शन करती है एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन मतलब एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो गई, ये एंटीबॉडी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या हार्मफुल सेल्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको फैगोसाइट करके इनगल्फ कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, ये इसका काम होता है। ये पहला फंक्शन होगा किसका, ये एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी किसने सीक्रेट की, बी लिम्फोसाइट ने। बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी सीक्रेट की प्रोटीनियस सब्सटेंस जो ब्लड में है। अब ये एंटीबॉडी कौन सा फंक्शन कर रहा है, पहला फंक्शन कर रहा है ये एग्लूटिनेशन, मतलब क्या कर रहा है, फैगोसाइट कर रहा है किसको, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर वायरस को, बैक्टीरिया को, कौन कर रहा है, एंटीबॉडी। सेकंड पॉइंट ये क्या करते हैं, सेकंड ये करते हैं ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शनाइजेशन में ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया वायरस के ऊपर एक तरह से कोटिंग फॉर्म करती है, फॉर्म कोटिंग ओवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स, जिसकी वजह से उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि इस कोटिंग की वजह से उनको जो नरिशमेंट मिलना होता है वो नरिशमेंट मिलना बंद हो जाता है, इसलिए उनका क्या हो जाता है, स्टारवेशन प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो पहला फंक्शन क्या किया इसने, एग्लूटिनेशन किया, किसने, एंटीबॉडी ने, मतलब फैगोसाइटिस करके बैक्टीरिया वायरस को किल कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक तरह से कोटिंग प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, फूड चेन ब्रेक हो रही है और वो स्टारवेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये सेकंड में फंक्शन करता है एंटीबॉडी। थर्ड फंक्शन कर रहा है एंटीबॉडी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में एंटीबॉडी क्या करती है कि जिस तरह से सब्सटेंस बॉडी में आया है, अब अगर वो कोई सब्सटेंस है या टॉक्जिन्स है तो उसको एक तरह से ऐसा सीक्रेशन प्रोड्यूस करना और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से वो सब्सटेंस या टॉक्जिन्स न्यूट्रल हो जाए। मतलब सीधे सीधे वर्ड में हम ये बोलेंगे कि एंटी टॉक्जिन्स प्रोड्यूस करना, एंटी टॉक्जिन्स प्रोड्यूस करना। अगर सपोज कोई सब्सटेंस बॉडी में आया है, कोई हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में आया है जिसकी वजह से बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, तब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगी जो उसको न्यूट्रलाइज करें, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। सीधे सीधे वर्ड में एंटी टॉक्जिन सीक्रेट करना जिसकी वजह से कोई भी टॉक्जिन सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करके बॉडी को प्रोटेक्ट करे हार्मफुल इफेक्ट से, ये फंक्शन होगा इसका बी लिम्फोसाइट का। तो दिस इज द थ्री फंक्शंस विच कैरी आउट बाय द बी लिम्फोसाइट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना के पीरियड में कई तरह के ऐसे सिचुएशन फॉर्म हो गई है कि इसको निपटने के लिए वैक्सीन के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और कई देश है जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है, तो आप इसके बारे में भी जानते हैं। वैक्सीन एक ऐसा प्री मेड एंटीजन होता है जो हमारे बॉडी में डालने के बाद हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएंगी अगेन दैट एंटीजन, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में दोबारा कई अगर वो एंटीजन आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी रेडी है, वो उसको हमारे हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने नहीं देंगी, उसको किल कर देंगी। इस तरह के रिएक्शन को, प्रोसेस को, फिनोमेना को वैक्सीनेशन कहते हैं। सिंपल ये है कि जैसे अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो काम कर रही है, वो कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचा रही है,
लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इस तरह के हार्मफुल इफेक्ट को हमारी इम्यून सिस्टम रोक नहीं पाती, कमज़ोर पड़ जाती है या उसके अटैक को सहन कर नहीं पाती, तब हम उससे हार्मफुल इफेक्ट से इफेक्टिव हो जाते हैं, हमको डिसीज प्रोड्यूस हो जाता है और हम किसी कारणवश डिसीज से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर ज़्यादा सिचुएशन सीरियस हो जाए तो पेशेंट डेथ होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरह से अगर कोई सिचुएशन फॉर्म होती है तब हम ऐसा कर सकते हैं कि उस हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबियम को किल करने के लिए बाहर से कोई एंटीबॉडी ले और उसको किल कर दे। हमने बाहर से एंटीबॉडी लेके उसको किल तो कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम किल करने के बाद वो दोबारा अटैक कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने बॉडी में उसके अपोज की एंटीबॉडी ही बना ले। बाहर से एंटीबॉडी लेने के बदले हम अपने बॉडी में उसी पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर वायरस के लिए पर्टिकुलर उसी के लिए एंटीबॉडी बनाएं, ये हो सकता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो इसमें क्या करते हैं, अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी ने क्रिश मूवी देखी है जिसमें एक सिंपल सा एक फंडा दिखा है कि कोई वायरस उस शहर पर अटैक करता है जिसकी वजह से कई लोग मरना चालू हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है क्रिश और उसके पिताजी जो होते हैं उनको उस वायरस से अफेक्ट का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और वो नॉर्मल रहते हैं। तब ये टेस्ट करते हैं, रेडीमेड वायरस को अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं। जैसे ही वो वायरस को इंसर्ट करते हैं, वायरस उस उनके बॉडी में जाने के बाद थोड़ी देर के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बाद में उसके बॉडी की इम्यून सिस्टम उस वायरस को किल कर देती है और नॉर्मल हो जाता है। ये ऐसा सिंपल वहाँ पे सिचुएशन दिखाई क्रिश मूवी में। अब इसके पीछे की थ्योरी जो है वही हमारा वैक्सीनेशन है। थ्योरी ऐसी है कि उन्होंने जो वायरस उसके बॉडी में एंटर किए थे वो एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायरस था, सबसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायरस। सपोज वो 0.5 ml ले आया होगा प्रिपरेशन, जिस 5 ml प्रिपरेशन में सिर्फ रिलेटेड या फिर डेड कल्चर ऑफ वायरस होगा। कौन सा वायरस? वो वायरस जिसने अटैक किया था। क्या होगा? डेड कल्चर ऑफ वायरस। ये डेड कल्चर ऑफ वायरस जैसे उन्होंने अपने स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी में डाले, बॉडी के इम्यून सिस्टम में उस वायरस को किल कर दिए, फैगोसाइट कर लिए, ख़त्म कर लिए और उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिए। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमने 4 पॉइंट देखे थे अपने मेमोरी टी सेल्स, तो उस वायरस का उस अटैक की मेमोरी रिकॉर्ड हो गई और उसी के लिए उसी की अपोज एंटीबॉडी फॉर्म हो गई बॉडी में, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, हेल्पर टी सेल्स उसी के लिए स्टिमुलेट हो गए, सप्रेसर टी सेल उसी के लिए स्टिमुलेट हो गए और किलर सेल भी उसी के लिए स्टिमुलेट हो गए। तो ये 4 सेल स्टिमुलेट हो गए एक सिंपल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड वायरस बॉडी में डालने के बाद हुआ, और उसकी वजह से उन चारों ने अपने अपने फंक्शन कर लिए और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर लिए, फैगोसाइट कर लिए, बॉडी नॉर्मल हो गए। ये सिंपल थ्योरी है। अब यही थ्योरी वैक्सीनेशन में किया जाता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड वायरस कल्चर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है और उसी वायरस के अपोज में पर्टिकुलर एंटीबॉडी बना लेती है, जो एंटीबॉडी इस तरह के 4 सेल प्रोड्यूस करती है और चारों सेल के पास उसी एंटीजन से रिलेटेड या उसी वायरस से रिलेटेड मेमोरी होती है, हेल्पर टी सेल होते हैं, सप्रेसर टी सेल होते हैं और किलर टी सेल होते हैं। अगर दोबारा कहीं ये वायरस हम पे अटैक कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब हमारे बॉडी में ऑलरेडी ये 4 सेल है, ये क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको किल कर लेंगे और इस तरह से हम सेफ हो जाएंगे। अब दोबारा हमको पता रहे ना रहे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ऐसा वायरस अगर बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी हमको बताए बगैर ही उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगी और हमारे बॉडी को सेफ रख लेंगी और हमें किसी तरह का कोई भी डिसीज सिम्टम्स नहीं दिखेगा, हम नॉर्मली लाइफ जिएंगे। तो ये होता है कमाल वैक्सीनेशन का, ये कमाल होता है वैक्सीनेशन का, और यही आज के साइंटिस्ट कर रहे कोरोना वायरस के अपोज में। और लेकिन जब इस तरह का वैक्सीनेशन जब होता है या वैक्सीन प्रोड्यूस होती है, तब ये वैक्सीन प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्ट किसी ह्यूमन में उसको एडमिशन नहीं किया जाता, उसके पहले कई तरह के टेस्ट, कई तरह के प्रोसेस से गुजर के वो
बाद में ह्यूमन पे लागू की जाती है ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन पे ना हो, क्योंकि जो डेड कल्चर ऑफ वायरस लिया जा रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़े से भी क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी उस वायरस की तो वो हमारे बॉडी पे ऐसा असर कर सकता है कि इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर दे, इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अटैक कर ले और हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए। तो ये क्वांटिटी ऑफ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम जब पोलियो लेते हैं तो पोलियो की से दो बूंद डालते हैं, क्वांटिटी बहुत ही कम है, दो बूंद मतलब बहुत कम है, लेकिन दो बूंद में डेड कल्चर ऑफ पोलियो वायरस होता है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारी एक्टिवेट हो जाती है और दोबारा कभी पोलियो वायरस आ भी जाता है उसको किल कर देती है, हमको पता भी नहीं चलता। तो ये हो गया वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन और वायरस, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे लिए स्टेप कैसी है, वैक्सीन सेफ्टी, हमारे लिए सेफ कैसी है। तो ये जब बनती है तो बनते वक्त कई टेस्ट से गुजरती है, कई एनिमल पे इसका टेस्ट होता है और उसके बाद ये लास्ट में ह्यूमन पे इसका टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ये कॉमनली ये फिर एज ए वैक्सीन करके मार्केट में लाई जाती है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन। तो इस तरह के कई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, हिपेटाइटिस की है, पोलियो की है, बीसीजी की है, तो इस तरह के कई वैक्सीन है अवेलेबल और अब कोरोना का भी वैक्सीन आ रही है। तो इनका काम होता है कि ऐसे वायरस जो पर्टिकुलर डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे वायरस के एंटीबॉडी, स्पेशल पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, ताकि वो वायरस की मेमोरी अगर बॉडी में रहेंगे तो दोबारा जो अगर वायरस अटैक करता है तो उसको किल किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा एंटीबॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो वैक्सीनेशन विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम पर्टिकुलर अटैक ऑफ वायरस बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनिटी इन द बॉडी। ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है एंटीबॉडी। अब जब इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक वर्ड आता है, हर बार वो बोला जाता है, एंटीजन, एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी सेल प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, या प्रोटीनियस सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, ये प्रोटीनियस सब्सटेंस का नाम दिया है एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती है बच्चों, ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनी हुई एंटीबॉडी होती है जो हमारे बॉडी में बन जाती है। जैसे अगर हम कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं तो कोरोना वायरस क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वायरस है जो पर्टिकुलर डिसीज हमें प्रोड्यूस करता है, तो उसे हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन कंसिडर करेंगी और उसको अटैक करने के लिए, उसको किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, उसी की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। तो जब हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी क्या है, एक तरह से स्पेसिफिक एंटीबॉडी है या ग्लाइकोप्रोटीन है जो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनी है। तो एंटीबॉडी क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं, आईजी, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं। तो एंटीबॉडी इज द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। वो बनती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनने वाली एंटीबॉडी, मतलब हो गया एंटीबॉडी ये ग्लाइकोप्रोटीन है, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसका शेप होता है वाई शेप का, इट इज वाई शेप, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है और इसमें फोर पॉली पेप्टाइड चेन होती है, एक एक दो तीन चार, ये चार पॉली पेप्टाइड चेन है विच बाइंड विथ डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, यस यस बॉन्ड जो मैंने यहाँ पे दिखा है। तो ये चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुई रहती है। कितनी चेन होती है, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो
एक दूसरे के साथ डायसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुई रहती है, जिसमें एक जो चेन होती है नीचे की उसको हैवी चेन बोलते हैं, जो उसे एच चेन करके दर्शाते हैं। ऊपर की चेन जो होती है वो लाइट चेन होती है और इसको एल चेन करके भी दर्शाते हैं। ये सभी जो स्ट्रक्चर है किसका, एंटीबॉडी का, इस स्ट्रक्चर में, इस पार्ट में जो एन से दर्शा है, दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन, बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन। एंटीजन के लिए वो बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे कितने साइट दिए है, दो, तो बराबर है बायोवैलेंट बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन। तो दो बाइंडिंग साइट है एंटीजन के लिए, मतलब एक एंटीबॉडी दो एंटीजन को एक साथ बाइंड कर सकती है, इसको बायोवैलेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनी हुई रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि ये वाई शेप की होती है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, एक दो तीन चार, जिसमें डायसल्फाइड बॉन्ड से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए रहते हैं। ऊपर की चेन को लाइट चेन बोलते हैं या फिर एल चेन भी बोलते हैं, नीचे की चेन को हैवी चेन या फिर एच चेन भी बोलते हैं। अपर पार्ट में एक कनेक्टर होता है जिसका शेप इस तरह से बना होता है, जिस तरह से एंटीजन में लॉकिंग सिस्टम होती है, और की लॉक सिस्टम की तरह ये एंटीजन को अपने में बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट है एंटीजन की, इसलिए ये बायोवैलेंट होती है, मतलब एक एंटीबॉडी दो एंटीजन को बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट है एंटीजन की, एक दूसरे के साथ डायसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे SS बॉन्ड से दर्शाया गया है। तो इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो एंटीजन को बाइंड करता है और इन दोनों की रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट कम हो। एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग जो होती है, तो ये जो बाइंडिंग साइट है इसको पैराटोप्स बोलते हैं। पैराटोप्स किसको, बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन इज नोन एज द पैराटोप्स, इसको क्या बोलते हैं, पैरासो। इसमें दो एंटीजन पॉइंट होते हैं, एक और दो। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसकी वजह से एंटीबॉडी क्या करती है, उस एंटीजन को अपने साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो एंटीजन फ्री फॉर्म में घूमते रहता है वो बाइंड हो जाता है और उसकी जो रिएक्शन या एक्टिविटी वो कम हो जाती है और हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, अपने साथ बाइंड करके उसका क्या हार्मफुलनेस कम करती है। तो जिस जगह वो बाइंड रहता है उसको बोलते हैं पैराटोप्स, उसको बोलते हैं पैराटोप्स। दिस इज द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर इन विच वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीजन बाइंड and produce antigen antibody complex, and the study of this antigen antibody complex is known as the serology। इस तरह से हमने अभी देखे वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें एंटीजन बाइंड होता है दो साइड में, इसलिए बायोवैलेंट भी इसको कहा जाता है। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।